करने का पुण्य एक कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरुह, महर्षि व्यास कह रहे हैं, कन्या मात्र को भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया गया। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयी कया पूरित मंबई तत् काते स्तुति ही स्तव्य परा परोक्ति ही। सौभाग्यवतियों का पूजन भी करने की परंपरा है, वृद्धा माताओं के भी पूजन करने की परंपरा है, नारी मात्र के पूजन की परंपरा। हमारे यहाँ कहते हैं देहात में भी बिना पढ़े लिखे लोग कहते हैं 3 बेटी हो गई तो बोले चलो राम जी ने दया कर दी, 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा। क्या कहते, क्या कहते? 3 यज्ञ का पुण्य मिल जाएगा, 1 बेटी का दान किया, कन्या दान किया तो 1 यज्ञ का पुण्य मिल गया। 3 बेटी हुई तो भैया सामर्थ्य भले ही नहीं हो पर बेटी करा लेंगी यज्ञ, कन्यादान यज्ञ के समान है। तो 3 बेटी हो गई तो 3 यज्ञ का पुण्य तो मिल जाएगा, ऐसी प्रसन्नता लोग करते। 1 भी बेटी नहीं हुई तो ग्लानी करते कि हाय हाय इस कन्यादान जैसे पवित्र यज्ञ का अवसर भगवान ने हमको नहीं दिया। तब अपने परिवार में से किसी बेटी को गोद लेकर पढ़ाते लिखाते और उसका विवाह करके पूरा खर्च करके कन्यादान करते, ये परंपरा हमारे यहाँ रही है। आप भाग्यशाली हैं, गंगा जमुना सरस्वती ललिता विशाखा राधा रानी जो मानो सुसती न देवी आपके यहाँ हैं और अब लाला भी होगा। तो भगवान की बड़ी दया है, 10 कन्याओं का दान करने से 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र की अपेक्षा कन्या की महिमा 10 गुनी अधिक है, 10 पुत्र समा कन्या स्कंद पुराण में। पुत्र पवित्र किए कुल दो, 10 पुत्र समा कन्या इसलिए कहा गया कि इतने बड़े यज्ञ को सविधि संपादित करने का पुण्य एक कन्या के दान से मिल जाता है। तो 10 कन्या दान करेंगे तो सीधी साधी भाषा में कहें तो 10 यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और 10 कन्या समो तरुह, महर्षि व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, 10 कन्या 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के समान कन्या है। और 10 कन्या समो तरुह, 10 कन्या के समान एक वृक्ष है। इसका मतलब है चाहे सविधि 10 यज्ञ कर लो और चाहे एक वृक्ष लगा दो वो समान है। कितने बड़े पुण्य का कार्य है वृक्ष लगाना। तो हम तो प्रायः किसी भी उत्सव में वृक्ष एक ना एक तो लगाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग अपने कुआ खेत में घर में जहाँ कहीं जगह हो, अब नवरात्रि हो ही रही है, हो सके तो कल बहुत बढ़िया मुहूर्त है, दशहरा है, आप लोग भी एक एक वृक्ष अपने यहाँ लगाइए। वृक्ष भी ऊट पटांग मत लगाओ, ऊट पटांग जानते हैं जो खाली सजावट के और कुछ नहीं, बट है, पीपल है, पाकर है, उदुम्बर है, गूलर है, ये वृक्ष इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इनमें जो ऋतु में फल आते हैं तो हजारों पक्षियों की उधर पूर्ति होती है, भंडारा चलता है पक्षियों का। जामुन है,
आम है, निम्ब है, निम्ब बहुत लाभदायक है, उसकी वायु शरीर को निरोग बनाने वाली है। ऐसे पवित्र जो भारतीय वृक्ष हैं, बिल्व है, बेल का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, ये बड़े पुण्यदायक बड़े पवित्र वृक्ष हैं। तो आपकी रुचि है, लेकिन पवित्र जो भारतीय जो वैदिक वृक्ष हैं उन वृक्षों को ही आप लगावें, ऐसा हमारा निवेदन है।